तो चले जी, हम अंडों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसको बनाना है। झटपट से बनने वाली रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास 3 अदद प्याज, टमाटर 1 अदद, टमाटर, जिंजर को मैंने हाफ लिया जिसको मैंने बारीक काट लिया, और साथ है मेरे पास ग्रीन चिलीज जो कि मैंने ये 4 अदद ली हैं, और साथ मेरे पास है अंडे जो कि 6 अदद हैं, और फिर साथ मैं यूज़ करूँगी ऑलवेज डालडा का घी, फिर इसके साथ है नमक, हल्दी और मिर्च। तो अब हम चूल्हे को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि मैंने प्याज को इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये जब हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन होगा तो मैं जिंजर डालूंगी जो कि मैंने बारीक काटा हुआ है। जी हमारा प्याज हो गया था हल्का सा फ्राई, तो मैंने इसके अंदर टमाटो एंड जिंजर को जो बारीक कट किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो आप ये देख सकते हो। ये है, तो ये मेरे पास 1 कप पानी है जो कि मैं डालने लगी हूँ। 1 कप पानी के साथ मैं सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून में जो है टर्मेरिक का डालूंगी, एंड 1/2 टेबल स्पून आई एम गोइंग टू ऐड द रेड चिली पाउडर। चलिए अभी हम इसको 5-10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसका मसाला भून जाए, तो फिर हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। ये हमने रख दिया इसको। उसके साइड पे अंडे हैं जो कि 6 अदद हैं। इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा थोड़ा नमक, जितने अंडे हैं उस हिसाब से नमक आप डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ी हम लोग मिर्च डालेंगे। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको, और दूसरी साइड पे मैंने ये ग्रीन चिलीज को ऐसे काट ली, तो मैं 2-4 इसके अंदर डालूंगी और एंड पे थोड़ी सी 2-4 गार्निशिंग करूँगी। चलेंगे अब हम अपने मसाले की पोजीशन देते हैं। 10 मिनट के बाद हम अपने मसाले की पोजीशन में देखते हैं कि भून गया है। ऑयल बाहर आ गया, ठीक है। आपको मसाला सब रेडी होता है, अभी ऑयल बाहर निकलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैंने ये अपने अंडे शामिल कर दिए हैं अपने मसाले के अंदर, तो अब आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एहतियात से हिलाना है ताकि ये नीचे मत लगे। चलें जी, आप ये देख सकते हैं हमारे अंडों का टेक्सचर कैसे बदला है, और ये देखें कितने मज़ेदार ढाबा स्टाइल अंडे हमारे रेडी हैं। और अब हम इसको सर्विंग में आपसे मिलते हैं।